दोस्तों हम लोग अपने आधार कार्ड को बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और हम लोग अपने आधार कार्ड को तीन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो कि हम लोग अपने आधार नंबर से अपने आधार कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं और दूसरा हम लोग अपने रिसीविंग के माध्यम से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि हम लोगों को आधार कार्ड बनवाते समय मिला होगा। और तीसरा तरीका हम लोग अपने फिंगरप्रिंट से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो दोस्तों हम लोग अपने फिंगरप्रिंट से अपने आधार कार्ड को बहुत आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तीनों तरीके मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप लोग सिंपली इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के एक भी पार्ट को मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोगों को सिंपली कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे uidi.gov.in लिख के सर्च कर लेना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग सिंपली वहाँ पर क्लिक करके मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और थोड़ा लोडिंग होने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होते ही दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे ऊपर कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सभी ऑप्शन में आप लोगों को कई सर्विसेज देखने को मिलेंगी आधार रिलेटेड। तो दोस्तों हम लोगों को सिंपली अपना आधार डाउनलोड करना है। सिंपली हम लोगों को माई आधार वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम लोगों को सिंपली डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिंपली हम लोगों को अपना आधार डाउनलोड करना है तो सिंपली हम लोग इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा रिलोडिंग लेगा, उसके बाद हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ऊपर तीन तरीके देखने को मिल जाते हैं। पहला आधार नंबर का और दूसरा आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर का और तीसरा आप लोगों को बैचलर आईडी का। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हम लोग अपने आधार नंबर से पहले यहाँ पे डाउनलोड करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने एनरोलमेंट नंबर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं हम लोग अपने आधार नंबर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं, वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों हम लोगों को सिंपली अपने आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे इंटर आधार नंबर वाले ऑप्शन पर अपना आधार नंबर यहां पे फिल करना होगा। आप लोग सिंपली अपना आधार नंबर यहां पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटर कैप्चा का। तो दोस्तों हम लोगों को दिए गए कैप्चा को सिंपली यहां पे फिल करना होगा। तो दोस्तों आप लोग सिंपली यहां पे फिल कर लीजिएगा। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड ओटीपी का। हम लोगों को सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे आधार कार्ड में लगे हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी चली जाएगी। हम लोगों को नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटर ओटीपी का। तो दोस्तों हम लोग अपनी ओटीपी यहां पे फिल कर देनी है। और अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है तो आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पे क्लिक करके अपना चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पे मैंने ओटीपी फिल कर दिए। फिल करने के बाद दोस्तों हमारे पास नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वेरीफाई एस डाउनलोड का ऑप्शन। तो दोस्तों अब हम लोगों को सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होते ही दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे पास कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आवर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड, कि आपका आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों हम लोगों को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ओपन करने के भी कुछ परमिशन होते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों हम लोग अपने आधार कार्ड के पीडीएफ को ऐसे नहीं ओपन कर सकते हैं। जब हम उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोगों को एक पासवर्ड जनरेट करना होता है तभी हम लोग अपने आधार कार्ड के पीडीएफ को ओपन कर पाएंगे, तभी आप लोगों का आधार कार्ड का मेन पेज ओपन हो पाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर वेबसाइट की तरफ से ही पहले से एग्जांपल दे दिया गया है कि हम लोग अपने आधार कार्ड के पीडीएफ को कैसे ओपन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि मान लीजिए आपका नाम यहाँ पे अनीस कुमार है और आप लोगों का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 1989 है। तो दोस्तों आप लोगों का पासवर्ड क्या होगा यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपका पासवर्ड आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से लिया जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनीस कुमार में आप लोगों का चार अक्षर लिया जा रहा है। जैसे कि अनीस नाम है तो दोस्तों आगे का चार अक्षर लिया जाएगा और आप लोगों का सन लिया जाएगा। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख ही पा रहे हैं यहाँ पे नीचे ANIS यहाँ पे लिया गया नाम से, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सन लिया गया 1989। दोस्तों अब हम लोगों को सिंपली अपने आधार कार्ड का पीडीएफ ओपन करना है तो इसके लिए हम लोगों को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पहले जो यहाँ पे डाउनलोड हुआ रहेगा आधार कार्ड आप लोगों को सिंपली उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों का आधार कार्ड यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। आपका पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है कि आपका पासवर्ड आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो दोस्तों आप लोग अपना यहाँ पे पासवर्ड फिल करके यहाँ पर सिंपली आप लोगों को सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा आधार कार्ड का पीडीएफ ओपन हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे पूरा आधार कार्ड आपका देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हम लोग अपने आधार कार्ड से अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर पाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाते हैं कि हम लोग अपने एनरोलमेंट नंबर से मतलब कि हम लोग अपने रिसीविंग के माध्यम से अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर पाते हैं। दोस्तों हम लोग सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, हम लोगों को चारों ऑप्शन यहाँ पे फिल करना होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा एनरोलमेंट आईडी नंबर फिल करने का। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंटर 14 डिजिट एनरोलमेंट आईडी नंबर। तो दोस्तों ये नंबर आप लोगों
लोगों को कहाँ पर मिलेगा, ये नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आप लोगों के रिसीविंग में ऊपर देखने को मिल जाएंगे 14 अंक का आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को सिंपली इसको फिल कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट आईडी डेट का। तो दोस्तों आप लोगों को डेट कहाँ से फिल करना है, आप लोगों को रिसीविंग में ऊपर देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर आप लोगों को डेट देखने को मिल जाएगा। सेम डेट आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आप लोगों के रिसीविंग में डेट रहेगा वही आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। अपना ईयर फिल कर लेना, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना मंथ फिल कर लेना, उसके बाद आप लोग अपना डेट फिल कर लेना। जिस दिन आप लोगों का आधार कार्ड बना है वही डेट आप लोगों को सिंपली यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही हमारे यहाँ पे डेट फिल होता है उसके नीचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट ई आई डी टाइम। तो दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे अपना टाइम भी फिल करना होगा जिस टाइम में आप लोगों का आधार कार्ड बना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को रिसीविंग में ऊपर देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना टाइम कौन सा टाइम रहेगा आपका। आप लोगों को सिंपली वही टाइम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों आप लोग सिंपली अपना टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों को रिसीविंग में देखने को मिलेगा वही टाइम आप लोग सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंटर कैप्चा का। तो दोस्तों अब हम लोगों को सिंपली अपने दिए गए कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों हमारे पास एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड ओटीपी का। तो दोस्तों अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोगों के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा आपके उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी चली जाएगी। ओटीपी आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंटर ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप लोग सिंपली अपनी ओटीपी फिल करिएगा और वेरीफाई एस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस रहेगा जैसे कि आप लोग अपने आधार नंबर फिल करके अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना सीखे, सेम प्रोसेस आप लोग इनरोलमेंट नंबर से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों आप लोगों का आधार कार्ड सिंपली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप लोगों को दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, अब बात आती है तीसरे तरीके की, हम लोग अपने फिंगरप्रिंट से अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अपने फिंगरप्रिंट से अपने आधार कार्ड को तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आप लोगों के पास फिंगरप्रिंट मशीन होती है, मंथरा डिवाइस होती है जो कि जिससे हम लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास नहीं है तो दोस्तों आप लोग नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर के या फिर साइबर कैफे पर जाकर के अपना आधार कार्ड डाउनलोड करा लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों के पास मंथरा डिवाइस है तो दोस्तों आप लोग अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख पाएंगे और अपना आधार कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ वापस।